पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कंपनी बाग गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध में नारे भी लगाए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांधी जी को नमन करके दिखाते हैं, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर ही भाजपाई उन्हें नमन नहीं कर रहे। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के नाम पर चलाया गया, लेकिन उनके पास में ही गंदगी नजर आ रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। आज बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाई तुंगीश यादव जी, कुलदीप तुरैया जी, मनोज यादव जी, मोहम्मद आलम, याकूब अली जी, डॉक्टर कुलदीप चौहान जी, महंत रामदास जी यहां उपस्थित होकर मुरादाबाद के कंपनी बाग गांधी समाधि पर माल्यार्पण किया। लेकिन अफसोस है कि आज जैसे महत्वपूर्ण दिन में यहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत गंदगी यहां फैली हुई है, जो कि दुख का विषय है। और हम निंदा करते हैं यहां नगर निगम प्रशासन की कि उन्होंने आज गांधी समाधि पर कोई सफाई नहीं करी। और देश के महत्वपूर्ण महापुरुष बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहां हमें देखने को मिला है कि ये गंदगी पड़ती हुई है, थैली और पता नहीं बोतल और गिलास क्या क्या यहां पड़ा है। आज क्या है इनका, महात्मा गांधी जी का? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। अच्छा, उनका जन्म कब रहा है? 2 अक्टूबर सन 1969। अच्छा, इनका पूरा नाम बता सकते हैं? मोहनदास करमचंद जी। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ गांधी जी को पुष्पमाला अर्पित कर स्वच्छता का जो एक संदेश देना था वो दिया। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि जहाँ एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वच्छ भारत तक की, लेकिन यहाँ पर इस समय स्थिति ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसका दोषी कौन, नगर निगम, जिला प्रशासन या स्वयं जनता? ये सवाल बहुत अजीब। आपकी नज़रों में कौन है? मेरे हमारी नज़रों में देखिए जहाँ तो दोनों चीज़ें हैं।